वेलकम बैक दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इमेज को रिलाइट कैसे कर सकते हैं। सपोज आपने कोई इमेज क्लिक की, कहीं पे गए हुए हैं और उस इमेज को रिलाइटिंग करना चाहते हैं। जैसे अभी मेरे स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, यहाँ पे पिंक लाइट आ रही है, इसके फेस पे थोड़ा शैडो सी आ रही है। इसको आप किस तरह से बना सकते हैं, या तो आपको फोटोशॉप आता हो या तो आप अपनी इमेज उस बंदे को दो जिसको फोटोशॉप आता हो वो इस तरह से कर सके। फोटोशॉप में ये थोड़ा टफ सा हो जाता है, लेकिन इसको बहुत इजी तरीके से हम एक वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। जस्ट आपको इमेज अपलोड करनी है एंड कर्सर पॉइंटर से आपको मूव करके कितना लाइट रखना है, कितना डार्क करना है, वो कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस वाली वेबसाइट पर आना पड़ेगा, clipdrop.co। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से आसानी जा सकते हैं। अभी यहाँ पे एक इमेज अपलोड करनी है, मैं यहाँ पे इमेज अपलोड करता हूँ, क्लिक करके इमेज अपलोड कर लेना है। मैं यहाँ पे एक ये वाली इमेज अपलोड कर लेता हूँ, अपनी ही मेरी है। जैसे आप अपलोड करेंगे यहाँ पे वो लाइटिंग का ऑप्शन आएगा, अभी इमेज अपलोड हो रही है। जैसे ही अपलोड हो जाती है ये देखिए, यहाँ पे पहले तो डिफ़ॉल्ट में इसने कुछ बना के दिया हुआ है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड भी है, लाइट है, लाइट वन है, लाइट टू है। जैसे मैं लाइट वन वाली मेरा सिलेक्टेड है, इसको मैं अपने कर्सर से मूवमेंट करके इसका कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे अभी आप यहाँ पे इंस्टेंट इफेक्ट आपको दिख रहा है, आपको फोटोशॉप नहीं आता उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर लाइट सेकंड है, जो इसका सेकंड लाइट अभी यहाँ पे मूव हो रही है, इसको मैं आगे पीछे भी मूव कर सकता हूँ, दाएं बाएं भी रख सकता हूँ, जिधर मन करना चाहे उधर कर सकता हूँ। जस्ट कर्सर क्लिक करना है और अप डाउन लेफ्ट राइट करना है, और इसका डिस्टेंस कितना है वो कर सकता हूँ मैं। देखिए अभी यहाँ पे कितना स्मूथ सा इमेज बन रहा है बिना फोटोशॉप के। और इसका रेडियस कितना रखना है इस तरह से कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस कितना रखना है, इसमें जो कलर है उसका कलर कितना, कौन सा कलर रखना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी इमेज इस तरह से बन जाती है, आप इसमें बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, तो इस तरह से देखिए बैकग्राउंड बहुत अच्छा सा आ गया है। और इसमें जो डॉट्स दिख रहे हैं, लाइट्स वाले डॉट्स, अगर इसमें और भी लाइट्स आपको ऐड करनी है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू लाइट पर क्लिक करके एक लाइट्स और ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ से उठा के आपको जहाँ भी रखना है उसको आसपास ले जाके उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर रखना हो इस तरह से। ये देखिए अभी कितना कूल सा इफेक्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है आप कहीं लाइटिंग शो में बैठे हैं, वहाँ पर आपकी पिक्चर ली गई है। तो इस तरह से बनाने के बाद जैसे भी आपकी पिक्चर क्रिएट हो जाती है, आप जितना मन करें यहाँ से लाइट ऐड करें, रेडियस कितना रखना है, कलर कौन सा करना है, सब करके अपनी इमेज, अगर जैसे लगता है आपको बहुत बेस्ट बन गई है। जैसे यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं इस लड़के की इमेज बहुत ही अच्छी है, इसका जो इमेज बना है इसी टूल का यूज़ करके बनाया गया है, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ इसका भी कलर थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ, कम कर देता हूँ ताकि लाइट कम रहे। अभी ये देखिए ये इमेज मत सी बन गई है, तो इसको आप जैसे ही बना लेंगे वैसे आपको जस्ट डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगी। ये यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गई, और आपको यहाँ पे ले जाकर देख लेना है। ये देखो कितनी मस्त सी इमेज आ गई है, अभी इसमें बढ़िया से बना के दे देगा, जैसा भी आप बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। वैसा बनाने के बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, वो डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आती है तो भी लाइक करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अच्छी आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।